योगी जी मुझे बचाइए, मैं हिंदू बनना चाहती हूँ, मेरे घर वाले मुझे मारना चाहते हैं, मुझे पूरे रीति रिवाज से हिंदू बनना है, मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, हिंदू लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, यूपी पुलिस मुझे बचाइए, योगी जी मैं हिंदू बनना चाहती हूँ। अभी जो शब्द आपने सुने वो एक मुस्लिम लड़की की पुकार है जो एक हिंदू लड़के से प्यार करती है, मगर उसके घर वाले उसके इस कदम के खिलाफ हैं। इस मामले को लेकर इस मुस्लिम लड़की के भाई ने उससे अश्लील हरकत की और उस लड़की को इतना खौफ हो गया कि उसे लगने लगा कि अब उसके घर वाले एक हिंदू लड़के से प्यार करने के चलते उसका कत्ल कर देंगे, और इस डर से उसने एक वीडियो बनाया और सीएम योगी आदित्यनाथ से खुद को बचाने की गुहार लगाते हुए हिंदू बनने और हिंदू लड़के से विवाह करने की बात कर जान बचाने की मिन्नतें करने लगी। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। आज के इस स्पेशल स्टोरी में मैं आपको ले चलूंगा सूबे की ताला नगरी यानी अलीगढ़ की सरजमी पर, जहां एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती है और हिंदू बनना चाहती है, तो उसे उसके घर वाले जान से मारने की कोशिश में लग जाते हैं। इसको लेकर युवती एक वीडियो बनाती है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है, जिसके बाद यह मामला प्रकाश में आता है और फिर सीएम योगी की पुलिस इस मामले को लेकर चौकन्ना हो जाती है और आगे क्या कुछ होता है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस मामले के मूल प्रकरण पर आते हैं। दरअसल ये पूरा मामला अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र का है। यहां की रहने वाली एक मुस्लिम युवती शौर्य वर्मा नाम के एक युवक हिंदू युवक से प्यार करती है। मुस्लिम युवती उस हिंदू युवक से शादी करना चाहती है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मुस्लिम युवती उस हिंदू युवक से शादी करने के साथ साथ हिंदू धर्म को भी अपनाने की इच्छा जाहिर करती है। मुस्लिम युवती का कहना है कि उसे हिंदू धर्म पसंद है और वो पूरे रीति रिवाज के साथ हिंदू बनना चाहती है। युवती के प्रेम प्रसंग के मामले की जानकारी घर वालों को हो जाती है और फिर यहीं से शुरू होता है हाई वोल्टेज ड्रामा। घर वाले युवती को समझाते हैं, उसे डराते धमकाते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुस्लिम युवती का भाई उसे बैड टच भी करता है। मुस्लिम लड़की के वायरल वीडियो के अनुसार लड़की ने यह आरोप लगाया है कि उसके भाई ने उसे बैड टच किया और अब उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इसके साथ ही इस मुस्लिम लड़की ने यह भी कहा कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए योगी जी मुझे बचाइए, यूपी पुलिस मेरी मदद करे और मुझे यहां से छुड़ाए, मेरे घर वाले मुझे कभी भी मार सकते हैं। मुस्लिम लड़की का यह वीडियो एक दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके साथ ही मुस्लिम युवती ने सीएम योगी आदित्यनाथ और जिला प्रशासन को लेटर लिखकर सुरक्षा की गुहार भी लगाई। इसके बाद यह प्रकरण संज्ञान में आते ही सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस भी एक्शन में आ गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की सच्चाई जानने के लिए तहकीकात करनी शुरू कर दी। खैर थाना पुलिस की जांच में यह वाकया सत्यता के साथ सामने आया और पुलिस को इस जांच के दौरान यह भी पता चला कि मुस्लिम लड़की हिंदू युवक से कोर्ट मैरिज के जरिए विवाह करना चाहती है और इसके लिए इस मुस्लिम युवती ने और उसके प्रेमी हिंदू युवक ने इसकी योजना भी बना रखी है। जब मुस्लिम युवती के घर पुलिस पहुंचती है तो उस युवती के घर वालों में हड़बड़ाहट मचने लगती है। गौरतलब है कि पुलिस की जांच में सामने आता है कि यह मुस्लिम लड़की और उसका प्रेमी हिंदू युवक दोनों ही बालिग हैं। ऐसे में पुलिस की मौजूदगी में लड़की के घर वालों ने कहा कि हम शुरू में इसके खिलाफ थे, हमें आपत्ति थी, लेकिन अब हम इसकी शादी के लिए तैयार हैं। सीओ खैर वरुण सिंह के अनुसार दोनों ही युवक और युवती बालिग हैं। अब मुस्लिम लड़की के परिजन भी उसकी शादी उसके प्रेमी युवक से करवाने को तैयार है और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस मुस्लिम युवती की पूरी मदद कर रही है और उनकी शादी भी कराएगी। वहीं अब पुलिस के इस कदम के बाद पीड़ित मुस्लिम लड़की ने अपनी शिकायत वापस ले ली है और काफी खुश है और साथ ही ये बयान दिया है कि उसे परिवार से अब कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मुस्लिम युवती के इस बयान के बाद भी पुलिस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है और लड़की को सुरक्षा भी दी जा रही है ताकि उसके साथ कोई अप्रिय घटना न घट सके। अब आइए आपको इस मुस्लिम युवती की उस वायरल वीडियो को भी दिखा देते हैं जिसको लेकर ये पूरा प्रकरण सामने आया है। मैं अलीना खान शौर्य वर्मा से प्यार करती हूँ, मैं पूरे हिंदू धर्म में आना चाहती हूँ, हिंदू धर्म को मानती हूँ,
मैं अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ रही हूँ। आज मेरे भाई ने मारा है, कल को कोई भी कर सकता है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं पूरी रीति रिवाज से आना चाहती हूँ और मैं कभी भी अपने इस पैसे जैसे पीछे नहीं हटूँगी। मेरी रिक्वेस्ट है योगी जी से, मेरी यूपी पुलिस मेरी सहायता करे, मुझे यहाँ से ले जाए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, ये लोग मुझे कभी भी मार देंगे। गौरतलब है कि फिलहाल तो मुस्लिम युवती के घर वाले उसकी शादी हिंदू युवक से करवाने के लिए तैयार हो गए और इस बात से लड़की भी काफी खुश है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिम से हिंदू धर्म में आने की इच्छा जताने वालों की लिस्ट में कई मुस्लिम युवक और युवतियों के नाम शामिल हैं। वो अपनी स्वेच्छा से हिंदू धर्म को अपनाने की इच्छा रखते हैं और हिंदू धर्म में आना चाहते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में उन्हें प्राकृतिक रूप से वह स्वतंत्रता मिलती है जो उन्हें जीवन की सार्थकता की ओर ले जाती है। लेकिन फिर भी किसी के भय, किसी की साजिश तो किसी के द्वारा जान से मारे जाने के डर से वो अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते। भारत का संविधान देश के हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार अपने धर्म का चुनाव करने, उसका अनुपालन करने, उसका अनुसरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी देता है। तो ऐसे में आखिर संविधान में दी गई यह आजादी बार बार तलवार के साए में क्यों आ जाती है, यह विचार करने योग्य विषय है। फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना है, लेकिन आज की इस स्पेशल स्टोरी और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, उन्हें हम तक अपने बेशकीमती कमेंट्स के जरिए जरूर पहुंचाइएगा। इसके साथ ही यूपी की और भी रोचक खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश ताकि आपको मिले आपके सूबे की पूरी जानकारी। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस, कैपिटल टी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।